गांव पाटन और गंगवा गांव के लोगों के बीच झड़प हुई है। 40 मिनट के उपद्रव के दौरान हुआ पथराव और आगजनी हालत देखकर पुलिस कर्मचारियों ने खंडरों में छिपकर अपनी जान बचाई। यह खबर आ रही है गांव पाटन से। आपको बता दें कि पुराने मकान को कब्जाने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि उपद्रवियों ने एक एक करके तीन वाहनों को आग के हवाले कर दिया। दोनों पक्षों में एक दूसरे के ऊपर जमकर पथराव किया गया। इतना ही नहीं, गांव में पहुंची पुलिस कर्मचारियों पर भी पथराव किया गया। इसी दौरान पुलिस कर्मचारियों को अपनी जान बचाने के लिए खंडरों में छिपना पड़ा। बेकाबू हालत देखकर पुलिस वालों ने हल्का बल प्रयोग किया और पानी की बौछार की। मौके पर डीआईजी बलवान सिंह राणा, डीएसपी नारायण चंद, डीएसपी राजवीर सैनी भारी पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचे। गांव पाटन में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। घटना देर रात्रि की है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन।